नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग। दोस्तों हम आप सभी को बता दें, आप सभी जैसा जानते हैं कि बीते हुए 28 जनवरी 2020 को आपका पेपर था बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जहाँ पर बहुत सारे केसेस सामने निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर मालूम चला कि पेपर कुछ सेंटर्स पे सही तरीके से नहीं करवाया गया, तो वहीं कुछ सेंटर्स पे जो बुकलेट थी वो फटी हुई थी, इत्यादि बहुत सारी केसेस सामने निकल के आ रही है 28 जनवरी की पेपर से जुड़ी। तो दोस्तों इसी से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट है हमारे पास आप सभी के लिए। दोस्तों आप सभी बता दिया जाए कि बीती हुई 1 फरवरी को बहुत सारे कैंडिडेट्स जब गए थे तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनका जो पेपर है वो कैंसिल करवा के सभी जगहों पे पेपर करवाया जाएगा। बता दिया जाए आप सभी दोस्तों को कि 29 जनवरी 2020 को जो अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि सिर्फ 4 सेंटर पे पेपर को कैंसिल किया जाएगा, जबकि कैंडिडेट्स की मांग है कि पूरे पेपर यानी कि ऑल ओवर पूरे सारे सेंटर्स के पेपर को कैंसिल करवा के दोबारा पेपर करवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी सामने ये केस इसका सुनवाई सामने नहीं आ पाया दोस्तों। तो दोस्तों ये समय बीतता जा रहा है, हम कहें तो या फिर कहिए तो ये जो मामला है ये बहुत ज़्यादा समय लेते जा रहा है। उसी चलते आज यानी 3 फरवरी 2020 को पटना के गांधी मैदान में आज छात्र जो हैं वो बैठक करने वाले हैं, जहाँ पर वो मिल के कोई डिसीजन लेंगे और जहाँ पर उनको विश्वास है कि आज के मीटिंग के बाद जो निर्णय निकल के आएगा वो सारे कैंडिडेट्स सुनेंगे भी और समझेंगे भी, और फिर उसके बाद सोचा जाएगा और देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। सभी कैंडिडेट्स आज जाके मीटिंग करने वाले हैं 3 फरवरी 2020 को, यानी आज 11 बजे से आसपास कुछ ये मीटिंग शुरू होने वाली है बच्चों की, कैंडिडेट्स की, जो होगी पटना गांधी मैदान में। दोस्तों आपकी क्या राय है पेपर को कैंसिल होने की वजह से? और दोस्तों एक बात और आप सभी को बता दें, बहुत सारे समय फ्रॉड्स भी चल रहे हैं इसी के रिगार्डिंग में, जो पेपर कैंसिल के लिए कुछ बातें कर रहे हैं, बट आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर कोई अपडेट निकल के आएगी तो सबसे पहले आपके चैनल अभी अपडेट पे सबसे पहले आके मैं खुद आपको बताऊंगा कुछ इसके रिगार्डिंग में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आता है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और बिल्कुल भी इन फेक न्यूज़ पर आप विश्वास ना करें, जो भी कुछ होगा सबसे पहले आपके चैनल अभी अपडेट पे हम बताने का काम करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना कोई प्रॉब्लम हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे हम जो भी वीडियोस अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए अपने चैनल अभी अपडेट सब्सक्राइब करिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, आपको क्या लगता है, क्या आपके सेंटर पर भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी या नहीं देखने को मिली थी? और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, जो जुड़ी होगी आप सभी से रिलेटेड।